पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का 88 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा, 28 फरवरी के बाद अधिकारियों के तबादले न करें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का देश के हर गरीब को न्यूनतम आमदनी देने का ऐलान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कहा, 2019 में जीते तो हर गरीब के अकाउंट में न्यूनतम आमदनी पहुंचेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का राहुल और प्रियंका पर हमला। कहा, कांग्रेस के लिए ओआरओपी का मतलब ओनली राहुल ओनली प्रियंका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के पद छोड़ने की धमकी के बाद कांग्रेस की कार्रवाई। कुमारस्वामी के खिलाफ बोलने वाले विधायक एसटी सोमशेखर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को झटका। सांसद मौसम नूर ने टीएमसी का हाथ थामा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दो गाड़ियों की टक्कर में 3 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत। अमेरिका ने चीनी कंपनी वावे और उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वांजू के खिलाफ 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए। फोन की तकनीक चुराने का भी आरोप। और तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर भारत ने इतिहास रचा। 10 साल बाद न्यूजीलैंड में सीरीज अपने नाम की।